चलो बेटा, अब हम कर रहे हैं एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। आप लोगों ने से करा होगा और आप सबका आंसर गलत आया होगा, राइट? तो इससे पहले एक चीज आपको जाननी है, वो है वर्ड इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये क्या चीज होती है सर? इक्वली लाइकली आउटकम क्या होते हैं? इक्वली लाइकली मतलब वो आउटकम जिनका क्या बोलते हैं, जिनके आने की प्रायोरिटी क्या हो, हर किसी की सेम हो। एक दिखाता हूँ एग्जाम्पल। मान लो मैंने बोला, एक डाइस थ्रो करा और वहां है 1 2 3 4 5 6, राइट? यही बने आउटकम्स, राइट? एक एक्सपेरिमेंट है, 1 की प्रायोरिटी क्या होगी? 1/6। 2 की, बच्चा कहता है 2/6, 2/5 कैसे? वैसे करो नॉर्मली 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, सबकी यही होगी ना? दोबारा बोलता हूँ भाई, मैंने कहा 3 की प्रायोरिटी क्या होगी नॉर्मली? 1/6। 4 की 1/6, सबकी सेम है ना? ये होगी इक्वली लाइकली। अब लेट से मैं कहता, अब मैं आपको कहता, ध्यान सुनो, यहां पर एक हो 1, 2, 4, 5, 6, मान लो ये है मेरे पास, यानी एक बार में मैंने 2 डाइस फेंके और एक बार फेंके, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी? एक एग्जांपल तो सिंपल सा थोड़ा समझने के लिए, मान लो एक इवेंट है, इवेंट हुआ जहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ, एक डाइस फेंक रहा हूँ, कॉइन एच टी डाइस 1 2 3 4 5 6, राइट? कॉइन फेंकूंगा या डाइस फेंकूंगा, कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 हेड आने की चांस, और टेल के 1/2, जबकि 1 आने के चांस क्या होंगे? 1/6। अब बताओ क्या ये इक्वली लाइकली है? नहीं, जहां सारे ही आउटकम्स के, या इसे हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट, सिंगल सिंगल को बोलते हैं सैंपल पॉइंट, सारे ही सैंपल पॉइंट के क्या हो, आने के चांसेस सेम हो। बोलो पॉइंट क्लियर, ठीक है। अभी क्यों बोला बेटे, यहां पर एक कॉन्सेप्ट देखो जरा, कहां गलती कर रहे होगे, पढ़िए जरा क्या कहता है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, एक एक्सपेरिमेंट है जहां क्या कर रहे हम, कॉइन टॉस कर रहे हैं। इफ द कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन, मतलब अगर कॉइन क्या शो करे, हेड, तो इसे क्या कर दो, दोबारा टॉस कर दो। इफ इट शोज टेल, अगर ये क्या करे, टेल शो करे, देन थ्रो अ डाई, तो क्या करना है, डाइस फेंकने। तो पहले तो उसके सैंपल स्पेस क्या बनना था? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक तो अपना कैमरा ऑन करें और दूसरा इसका सैंपल स्पेस बताएं। वेट वेट वेट, इफ द कॉइन शोज हेड, एक कॉइन फेंक रहे हो, दो फेंक रहे हो, एक अगर हेड कर रहे तो हम क्या करेंगे, दोबारा कॉइन टॉस, यानी अगर हेड आया तो हेड के बाद दोबारा कॉइन, तो क्या आ सकता है हेड के साथ, हेड टेल या हेडेड, राइट? अगर ये क्या करे, इफ इट शोज टेल देन थ्रो अ डाई, तो क्या करो, डाइस थ्रो करो, यानी अगर टेल आया तो टेल के साथ डाइस थ्रो कर रहे, तो क्या आ सकता है, 1 T1 T2 T3 T4 T5 T6। बोलो ऑनलाइन क्लियर, यस और नो? आगे पढ़ते हैं। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि डाई क्या शो करे, नंबर ग्रेटर देन 4, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट, कुछ कट गया यहां से, वर्ड्स कुछ कट गए मेरे अकॉर्डिंग, ओके यहां पे नहीं था ये, एटलीस्ट 1 टेल है, एटलीस्ट 1 टेल, ओके ये है क्वेश्चन। लो बेटा आगे लिख दिया हमने एटलीस्ट 1 टेल, ठीक है बेटा, मैं पूरे डिजाइनिंग कर लूं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस मैं क्या लूंगा, पहले किस वाले का आउटकम्स को लें, कॉइन। चल एक काम करते हैं, पहले नॉर्मली सबकी बात करता हूं, पहला क्या एच टी है ना, एच टी
मेरे को बता सकते हो इस हेड टेल की प्रायोरिटी क्या होगी? 1/2 × 1/2 कितनी हो जाएगी? 1/4 हेड हेड की प्रायोरिटी, हेड की 1/2 होती है, दूसरे हेड की भी 1/2 1/4। आप चेक करके देखो, जब आप दो डाइस दो कॉइन टॉस करते हैं आपकी 1/4 आते हैं हर चीज की, HH STT STT, ये बनते हैं ना, वो इसका रीजन ये है 1/2। अच्छा फिर T1 T2 T3 T6 तक है राइट। तो टेल वन की कितनी हो जाएगी सर? 1/2 × 1/6। यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या मांगता है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डाई क्या शो करेगा? नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4, लेट्स से मैं ए बोल लेता हूं, ए हो गया नंबर ग्रेटर देन 4। वेट, जल्दबाजी मत करना बोलने की अभी। गिवन दैट, गिवन क्या है? देयर इज एटलीस्ट वन टेल, राइट? देखो ये बताओ निकालना क्या है, ए बाई बी या बी बाई ए? ए बाई बी। तो सबसे पहले किस वाले के आउटकम्स को लिख लूंगा? बी, एटलीस्ट वन टेल, यानी एक टेल तो हो। क्या क्या हो जाएगा? एच टी टी वन, देखो एक हो जाएगा एच टी टी वन, टी टू टी थ्री, टी फोर, टी फाइव, टी सिक्स। ई बाई फॉर्मूले में, हाँ यहाँ तक क्लियर, ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप क्या बोलोगे? 1/2 × 1/2 1/4 ये क्या हो जाएगा? 1/2 × 1/6 ये कितना हो जाएगा? 1/12 ऊपर कर लेता हूँ इससे, इसकी भी 1/12, यस और नो? इसकी भी 1/12, इसकी भी 1/12, इसकी भी 1/12, बोलो क्लियर? कंफ्यूजन राइट। अब इसमें से किसकी निकालनी है मेरे को? वैसे पी बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई ये बताओ, प्रोबेबिलिटी की कितनी हो जाएगी? समझने वाली कितनी हुई? 1/4 + 1/12 और क्या, 1, 2, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6 राइट। पता है मेरे को, तो 6 कर सकता था डायरेक्टली, जान पूछ के नहीं करा, तो वैसे ही कर दिया मैंने। 1/4 + ये आ जाएगा 1/2, 3/4 आ रही है, 3/4 आ रही है, नहीं 2 1, हाँ 3, सही तो बोल रहा था, गलती करा दी मेरा, 3/4। अब इसमें से किसकी निकाल लो मेरे बच्चा, अब इसमें से निकाल लो ए, ए क्या है? ग्रेटर देन 4, ए क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 4 कौन सा है? T5 T6, ये कितना हो जाएगा सर? 1/2 × 1/6 1/2 × 1/6 राइट। अच्छा प्लीज डोंट राइट लाइक दिस, एक सजेशन रहेगा कि टीचर आपके नंबर किस बात पे काट सकता है, मेरा तरीका ठीक है सर, इसे आगे से ना एक जगह इंटरसेक्शन भी लिख देना डायरेक्टली, जैसे आप पहले पहले गिवन वाला लिखते हो उसके अंदर से किसको निकालते हो? फाइंड वाले को, बस उस फाइंड में ना इंटरसेक्शन लगा देना, ये कह रहा हूँ। अब मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ सर, आपने लास्ट टाइम क्यों नहीं बताया? बेटा लास्ट टाइम मैं पहले आपको ना बेस बना रहा था, बेस आज आपका रेडी है, सब आज होमवर्क करके आए हैं, अब आप लोग आगे चल सकते हैं। अच्छा वन मोर थिंग, ऐसा क्यों है सर? टीचर को ना छोटे छोटे पॉइंट्स मिलते हैं नंबर काटने के, और वो नंबर हमने कटवाने नहीं है। 1/12 ये कितना हो जाएगा मेरा? 2/12 राइट, लगा दो। पी ए बाई बी क्या बनेगा? 2/12 इज 1/6, यानी 1/6 अपॉन में 3/4,
सॉल्व करो कितना आएगा, कट के ये हो जाएगा 4/3, कट गया मेरा 2/9, चेक कर लो बेटा यही आंसर है। ओके, इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 अटेम्प्ट करो राइट नाउ।